हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो फोन्स का। दोनों ही सैमसंग की तरफ से आते हैं, सैमसंग A54 5G एंड सैमसंग F54 5G जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हम आज इसका डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की। सैमसंग F54 30,000 में लॉन्च हुआ है और अगर आप कार्ड ऑफर के साथ इसको परचेज करते हैं तो आपको 28,000 के करीब देखने को मिलेगा। यही है, मैं बात करूं सैमसंग A54 की, ये आपको 38,000 के करीब देखने को मिलेगा और अगर आप कार्ड ऑफर के साथ इसको परचेज करते हैं तो आपको 36,000 के करीब देखने को मिलेगा। और जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं आज A256GB वेरिएंट के साथ कर रहे हैं, जो इसका प्राइस का कंपैरिजन है। वैसे सैमसंग F54 आपको एक ही वेरिएंट में मिलने वाला है, 8256GB, एंड सैमसंग A54 आपको दो वेरिएंट्स के साथ आता है, 8128 एंड 8256GB। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। सैमसंग F54 में आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा मिलने वाला है, 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। यही मैं बात करूं A54 की, यहाँ पे आपको डिस्प्ले थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज देखने को मिलता है, 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले हैं और दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। और दोनों ही स्मार्टफोन आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और अगर मैं बात करूं आउटडोर में, सैमसंग F54 में आपको 800 nits का ब्राइटनेस लेवल यह मिलने वाला है। यही A54 में डिस्प्ले थोड़ा आपको ब्राइट मिलने वाला है, 1000 nits का ब्राइटनेस लेवल यहाँ मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन को आप आउटडोर में यूज करोगे वैसे कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली। इसके अलावा सैमसंग F54 में आपको साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर देखने को मिलेगा और A54 में आपको इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर देखने को मिलेगा। और अगर मैं बेजल्स की बात करूं तो बेजल्स यहां पे आपको एवरेज ही देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। सैमसंग F54 में आपको बैटरी भी बड़ी देखने को मिलती है, 6000mAh का बैटरी यहां मिलने वाला है आपको, और यही A54 में आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। और दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, बट 25W फास्ट चार्जिंग को दोनों स्मार्टफोन यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं और Type-C2C केबल के साथ दोनों स्मार्टफोन आने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके कैमरास की। सैमसंग F54 में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, 108MP का मेन कैमरा OIS के साथ आता है, प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और यही मैं बात करूं अगर इसके सेल्फी कैमरा की तो आपको सेल्फी कैमरा 32MP का यहाँ मिलने वाला है। और A54 की अगर कैमरास की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा, 50MP का मेन कैमरा, ये भी OIS के साथ आता है, प्लस 12MP का अल्ट्रा वाइड एंड 5MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। अगर मैं दोनों ही फोन्स के कैमरास को कंपेयर करूं तो यहाँ पे आपको सैमसंग A54 का कैमरा थोड़ा बेटर रिजल्ट निकाल के देने वाला है, बट ऐसा नहीं है सैमसंग F54 का कैमरा अच्छा नहीं है, F54 का भी कैमरे से आपको काफी अच्छी फोटोज यहाँ मिलने वाली है। इवन आप लो लाइट में भी फोटोज क्लिक करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन से आपको काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलने वाले हैं। पोर्ट्रेट मोड वगैरह भी काफी अच्छे से काम करता है। और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन के रियर एंड फ्रंट से आप 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर पाएंगे और वीडियोग्राफी भी काफी स्टेबल यहाँ देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की। सैमसंग F54 में आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं दिया गया। यही मैं बात करूँ सैमसंग A54 की, यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलने वाला है और इसके साथ साथ डॉल्बी एटमॉस ट्यून है, तो आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पे काफी बेटर मिलने वाली है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ आने वाले हैं। और सैमसंग F54 में कोई IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती, यही आपको सैमसंग A54 में IP67 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है, आप अंडर वाटर इसको 30 मिनट तक ले जा सकते हैं। बात करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है सेम प्रोसेसर यहाँ देखने को मिलता है, सैमसंग की तरफ से आने वाला एक्सिनोस 1380 2.4GHz प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5nm बेस्ड है। और अगर मैं इसके अंतत स्कोर की बात करता हूँ तो 5 लाख प्लस अंतत स्कोर देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस यहाँ सिमिलर ही मिलने वाली है, आपको डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ मल्टीटास्किंग वगैरह इजीली करवा देगा और आप गेमिंग भी इसमें कर पाएंगे। बट अगर आप प्रो गेमर है तो आपको डेफिनेटली मार्केट में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल यूजर है तो आप दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आप हैवी यूजर है, प्रो गेमर है, तो आपको डेफिनेटली इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, आपको इंडिया में जितने भी 5G बैंड है सभी बैंड्स को ये सपोर्ट करता है। और इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलने वाला है और वाईफाई 6 मिलने वाला है और LPDDR4X RAM टाइप के साथ दोनों स्मार्टफोन आने वाले हैं।
यही सैमसंग F54 में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलने वाला है और इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन की, यहां सबसे पहले जो प्राइस डिफरेंस ये आने वाला है 8000 का आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छा मिलने वाला है, AMOLED डिस्प्ले है। और बैटरी की अगर मैं बात करूं, बैटरी आपको F54 में अच्छी मिलने वाली है। और अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करता हूं तो परफॉर्मेंस यहां पे आपको सिमिलर ही देखने को मिलती है, बट कैमराज में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ A54 का कैमरा थोड़ा सा बेटर है, बट ऐसा नहीं है F54 का बेकार है, F54 का भी कैमरा काफी अच्छा देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली सैमसंग A54 काफी ओवर प्राइस्ड फोन लगा, मुझे नहीं लगता कि आपको परचेज करना चाहिए। इससे बेटर तो आपको सैमसंग S21 FE को कंसिडर करना चाहिए। और अदरवाइज सैमसंग F54 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और 28,000 की रेंज में मिलने वाला है आपको, काफी अच्छे आपको सिमिलर ही ऑलमोस्ट फीचर यहाँ मिलने वाले हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।